good morning eight class so from today onwards we start uh, again our online classes so we revise our chapter number 11 that is in your exams labels also so let's start so in 11 chapter first of all we have direct variation and then we have indirect variation direct variation means if uh,

अपोजिट वेरी करेंगे वो ठीक है सो इन द क्वेश्चन यू हैव टू रिकोग्नाइज योअर सेल्फ देन दैट दैट क्वेश्चन विल बी ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन और ऑफ इनडायरेक्ट वेरिएशन सो लेट स्टार्ट फर्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन इज इफ थर्टी फाइव मैन कैन build a wall इन फिफ्टीन डेज थर्टी फाइव लोग जो है किसी एक वॉल को फिफ्टीन डेज में बिल्ट करते हैं बनाते हैं देन हाउ मेनी डेज आर रिक्वायर्ड टू बिल्ड द सेम वॉल इन ट्वेंटी फाइव डेज अगर हम नंबर ऑफ डेज इंक्रीज करते हैं तो क्या होगा नंबर ऑफ वर्कर्स क्या होंगे वहां पे कम रिक्वायर्ड होंगे तो यहाँ पे नंबर ऑफ डेज हम इंक्रीज कर रहे हैं लेकिन नंबर ऑफ वर्कर्स या मैन जो होंगे वो डिक्रीज होंगे तो मतलब एक वैल्यू तो इंक्रीज हुई है यहां से यहाँ तक और दूसरी क्या होगी डिक्रीज तो इस केस में क्या बनेगा हमारे पास इनवर्स वेरिएशन होगा और फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है यहाँ पे एक टेबल ड्रो करनी है यहां पे दो ही चीजें गिवन है एक में लिख देंगे हम नंबर ऑफ मैनस और सेकेंड में हम लिख देंगे नंबर ऑफ डेज तो फर्स्ट में नंबर ऑफ मेंस है हमारे पास थर्टी फाइव और उसके लिए नंबर ऑफ डेज है फिफ्टीन एंड सेकेंड में है नंबर ऑफ मेंस हमें फाइन करने तो उसकी जगह एक्स हो जाएगा और ट्वेंटी फाइव डेज ठीक है सो बिकॉज दिस इज इन्वर्स वेरिएशन तो इन्वर्स वेरिएशन में क्या होता है टेबल का ऊपर नीचे दोनों वैल्यूज की मल्टीप्लीकेशन होती है और उन दोनों के बीच में साइन किया जाता है इक्वल का साइन ऊपर और नीचे की क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई हो जाएगी और अगर इनकेस ये डायरेक्ट वेरिएशन होता तो क्या हो जाता है यहाँ पे क्रोस मल्टीप्लाई कर देते तो और बीच में साइन क्या हो जाता है इक्वल सो अब यहाँ पे हमें सिर्फ x फाइंड करना है तो x के साथ जो वैल्यू है इधर क्या है मल्टीप्लाई में तो इधर आप क्या हो जाएगी डिवाइड सो थर्टी फाइव मल्टीप्लाई फिफ्टीन और अपॉन में क्या आ जाएगा यहाँ पे ट्वेंटी फाइव ना वेज यू कैन सी दैट ऑल दीज वैल्यूज आर डिविजिबल बाय फाइव सो फाइव फाइव ट्वेंटी दिस एंड अगेन फाइव वन जा फाइव फाइव सेवन दैट मीन्स यहाँ पे एक्स की वैल्यू आ गई ट्वेंटी वन मेंथ तो यहाँ पे क्या है अब अगर वहाँ पे ट्वेंटी फाइव डेज में अगर उसी सेम वॉल को हमें बिल्ट करना है तो ट्वेंटी फाइव मैंस ही रिक्वायर्ड होंगे और फर्स्ट में क्या थे थर्टी फाइव मैंस जो है एक वॉल को बिल्ड कर रहे थे फिफ्टीन डेज में ठीक है नैक्स्ट क्वेश्चन इज आ स्ट्रोक ऑफ फूड इज इनफ फॉर एक करके रखा हुआ है फूड वो इनफ है फॉर फोर्टी पर्सन फॉर थर्टी डेज मतलब फोर्टी पर्सन है वहां पर और उन लोगों के लिए थर्टी डेज के लिए वो सफिशियंट फूड है हाउ लॉन्ग वुड द सेम स्ट्रोक लास्ट फोर ट्वेंटी फाइव पर्सन अगर उनमें से नंबर ऑफ पर्सन क्या हो जाए कम हो जाए तो क्या होगा खाना ज्यादा दिन चलेगा ऑब्वियसली ठीक है क्योंकि जब खाने वाले लोग कम होंगे तो क्या होगा ज्यादा दिन चल जाएगा खाना तो यहां भी क्या है नंबर ऑफ पर्सन हम डिक्रीज कर रहे हैं तो नंबर ऑफ डेज जो खाना चलने का है स्टॉक जो फूड है वो इनफ क्या होगा ज्यादा दिन के लिए होगा तो यहाँ क्या है इन्वर्स वेरिएशन ही है तो यहाँ क्या होगा टेबल में क्या बनेगा एक जगह तो नंबर ऑफ पर्सन और एक में क्या हो जाएगा अगेन नंबर ऑफ डेज तो यहां से हो जाएगा नंबर ऑफ पर्सन फर्स्ट में थे फोर्टी और खाना इज इन थर्टी डेज नाउ सेकेंड में ट्वेंटी एंड वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ डेज नाउ अगेन दिस इज इनवर्स वेरिएशन सो मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई बोथ द नंबर्स एंड इक्वल साइन हो जाएगा सो फोर्टी मल्टीप्लाई 30 इक्वल होगा ट्वेंटी फाइव मल्टीप्लाई विद एक्स now x will remain at this side and here 25 is multiplied with x so it will divide on this side now again these are all are divisible by 5 so 5 5 are 25 5 is 6 are again 5 1 are 5 5 is 8 are 2 so

अगर एक वैल्यू इंक्रीज हो रही होती तो दूसरी भी इंक्रीज ही हो रही होती और उसमें क्या कर देते हम क्रॉस मल्टीप्लाई इन एग्जाम इफ यू हैव एक्स और वाई इज डायरेक्टली वेरिएशन तो क्या करना है वहां एक्स और वाई की वैल्यूज गिवन होगी उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और अगर इनवर्स वेरिएशन गिवन हो तो वहां पे क्या करना है ऊपर नीचे की मल्टीप्लाई करना है और उनके बीच में इक्वल साइन ठीक है सो दैट इज ऑल फॉर टुडे इन द नेक्स्ट वीडियो वी रिवाइज अवर एक्सरसाइज इलेवन पॉइंट थ्री थैंक यू Good morning students this is for class 8 students this is reader portion we are going to start with the revision of SA1 and uh, in the school i told you about the syllabus of SA1 of english so let's start with the first chapter of revision now let's start first is your poem that is the clouds today students i will tell you about the format how you are going to prepare yourself for the examinations and one more thing students today i will tell you about one mark questions which are coming in your sa1 one. one mark questions which are based on uh, SM, which are coming in your sa1 as a one mark now let's start with that students we uh, include word meanings true false and tick the right answer all these three questions are incl included in your one mark questions are coming in your sa1 clear everyone we will include word meanings multiple choice questions and true false in one mark questions so you have to prepare yourself these book exercise on the basis of one mark okay now let's start with the word meanings first. If you have not completed your work, you just still you will complete your work and prepare yourself for essay one. First is idly, lazily, idly, lazily, to and fro, here and there, aimlessly, either, udar ghumna, pasture, meadow, merry, happy. Hastening Hastening moving fast fold shelter for sheep shelter for sheep trembling queering shadow bars darkness slumber she sleep here we have completed with the word meanings. Now, let's start with the first question that is multiple choice questions. Take the correct option and complete the sentences. Like dash among the pasture, they across the heaven go. Sheep. They are driving home their sheep. Driving. Answer is driving. Then in the sky, the trembling stars. Like the little flowers shining out. Trembling is the answer. Next is true false. Write true for T for true and F for false statements. First is the poet compares the floating clouds to gazing sheep. This is true. The clouds are floating lazily in the sky. False. क्योंकि क्लाउड्स uh, ऐसे ही लेजीली यानी कि आलसी द कलर ऑफ द वेस्टर्न स्काई टर्न्स रेड एंड गोल्डन ट्रू क्योंकि स्काई का कलर चेंज होता रहता है द स्टार्स इन द स्काई लुक लाइक लिटिल फ्लावर्स दिस इज ऑल्सो ट्रू द शीप स्लीप इन द फोल्ड फोल्ड इज द होम ऑफ शीप सो दिस इज ऑल्सो ट्रू क्योंकि वो वहीं पर ही सोती हैं स्टूडेंट्स टूडे वी विल कम्प्लीटेड विद द फर्स्ट चैप्टर रिविजन ऑफ दिस इज बेस्ड ऑन योर वन मार्क क्वेस्ट कैन सी हिज ऑल आर बेस्ड ऑन योर वन मार्क क्वेश्चन ओके स्टूडेंट्स सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस एंड यू विल कैरी ऑन विद योर एस ए वन

प्लस नाम अर्थात स्वर नाम शब्दों का प्रयोग किसी के भी नाम के स्थान पर किया जा सकता है किसी के नाम के स्थान पर मतलब किसी व्यक्ति का नाम हो वस्तु का नाम हो या किसी भी जगह का नाम हो उसके स्थान पर जो शब्द प्रयोग किया जाए वो स्वर नाम होता है उन शब्दों में कौन कौन से शब्द होते हैं जैसे मैं हम तुम वह वे कौन कोई आप ये सारे क्या हैं स्वर्णाम शब्द हैं जैसे एग्जाम्पल यह श्री राम का चित्र है इसमें संज्ञा क्या है श्री राम नाम जो दिया हुआ है वो श्री राम है वह दशरथ के पुत्र थे वह क्या है श्री राम के स्थान पर जो शब्द आया है वह वैस, वह वै, वह स्वर्णाम शब्द है अब हम कह सकते हैं कि संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्द ही स्वरनाम कहलाते हैं अब स्वरनाम के भेद कितने होते हैं तो स्वरनाम के जो भेद हैं वो कितने हैं छः भेद हैं जिनके नाम हैं पुरुषवाचक स्वरनाम निश्चयवाचक स्वरनाम अनिश्चयवाचक स्वरनाम प्रश्नवाचक स्वरनाम संबंधवाचक स्वरनाम और निजवाचक स्वरनाम ये छः जो है हमारे स्वरनाम के भेद हैं सबसे पहला है पुरुषवाचक स्वरनाम पुरुषवाचक स्वरनाम की परिभाषा है जो स्वरणाम किसी व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होता है वह पुरुषवाचक स्वरणाम कहलाता है जैसे मैं तुम वह और पुरुषवाचक जो स्वरनाम है वो भी तीन प्रकार के होते हैं नंबर एक है उत्तम पुरुष ये स्वरनाम जिस जिसे व्यक्ति अपने लिए प्रयुक्त करता है वो होता है उत्तम पुरुषवाचक स्वरनाम जैसे मैं हम दूसरा होता है मध्यम पुरुषवाचक स्वरणाम जिससे बात की जाए या जिसे संबोधित किया जाए उसके नाम के बदले जिस नाम का प्रयोग किया जाता है वह होता है मध्यम पुरुष जैसे तू तुम आप तीसरा है अन्य पुरुषवाचक स्वरणाम जिसके बारे में बात करते हैं या लिखते हैं उसके नाम के बदले प्रयोग स्वरणाम को अन्य पुरुषवाचक स्वरणाम कहते हैं जैसे वह वे, है, वे ये, ये है ये नंबर दो है निश्चयवाचक स्वरणाम जैसे ही इसके नाम से ही पता चल रहा है निश्चयवाचक यानी किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की ओर इशारा या संकेत हो ये वे स्वरनाम है जो किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करते हैं जैसे यह सीमा का मकान है एक निश्चित वस्तु की ओर इशारा किया जा रहा है संकेत किया जा रहा है यह सीमा का मकान है नंबर तीन अनिश्चयवाचक स्वरनाम इसके ठीक विपरीत जिस स्वरनाम से किसी निश्चित व्यक्ति प्राणी या वस्तु का बोध नहीं होता है उन्हें हम अनिश्चयवाचक स्वरनाम कहते हैं जैसे कोई कुछ जिससे निश्चय ना हो जैसे दूध में कुछ पड़ा है हम निश्चित नहीं कर पा रहे हैं कुछ क्या पड़ा है तो ये जो कुछ शब्द है ये अनिश्चयवाचक नाम को इंगित कर रहा है अब नंबर चार है प्रश्नवाचक नाम जिस नाम का प्रयोग किसी व्यक्ति वस्तु के संबंध में प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उसे हम प्रश्नवाचक स्वर्णाम कहते हैं जैसे कौन क्या जो जिस वाक्य में हमसे कुछ पूछा जा रहा हो वो प्रश्नवाचक स्वर्णाम को इंगित करता है जैसे बाहर कौन खड़ा है संबंधवाचक स्वरणाम जिस स्वरणाम का प्रयोग वाक्य में आए दूसरे संज्ञा या स्वर्णाम से संबंध बताने के लिए किया जाता है उसे हम संबंधवाचक स्वरणाम कहते हैं जैसे जो सो जो वह जो वे जैसे जो पढ़ेगा वह पास होगा दूसरे संज्ञा सर्वनाम से संबंध बताने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है जो करेगा वह भरेगा तो जो और वह ये संबंधवाचक कर रहे हैं नंबर निजवाचक जो स्वर्णामकर्ता के साथ निजत्व यानी अपनापन बताने के लिए आता है उसे निजवाचक स्वरणाम कहते हैं निज यानी अपने लिए जैसे आप स्वयं खुद उदाहरण के तौर पर वह आप चला जाएगा मैं यह काम स्वयं कर लूंगा गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आई योर प्रीति मैम योर साइंस टीचर दिस इज वीडियो फॉर द क्लास एट्थ फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट द सिलेबस फॉर द एस ए वन चैप्टर थर्ड सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक चैप्टर फाइव कोल एंड पेट्रोलियम चैप्टर सिक्स कंबशन एंड फ्लेम चैप्टर एट सेल्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस चैप्टर फोर्टीन केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर फिफ्टीन सम नेचुरल फिनोमिना चैप्टर सिक्सटीन लाइट चैप्टर थर्टीन साउंड चैप्टर एटीन पोल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर look at the syllabus and uh, now we will further discuss about the our chapter which is going on in the class chapter 15 which is lightning and earthquake we have done the our short questions now i will do a question uh, one of long question answer type uh, have a look first question of uh, chapter 15 including long question answers how can you charge an object हम किसी चार्ज को कैसे ऑब्जेक्ट मतलब किसी ऑब्जेक्ट को कैसे चार्ज कर सकते हैं बेसिकली एन इलेक्ट्रिक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट कैन बी चार्ज थ्रो द थ्री डिफरेंट प्रोसेस हमने क्लास में भी पढ़ा था कि किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज करने के तीन प्रोसेस होते हैं फर्स्ट वन इज़ बाई फ्रिक्शन सेकेंड वन इज़ बाई कंडक्शन थर्ड वन इज़ बाई इंडक्शन Now we will discuss about the friction, conduction, and induction. What are these process and how they take place? So first one is charge by friction. When a glass rod is rubbed with a silk cloth, जब हम कोई glass rod को किसी silk के कपड़े के साथ rub करते हैं, rub का मतलब समझते हैं ना घर्षण करना या किसी के साथ घसना, okay? नेगेटिव चार्जेस फ्रॉम द ग्लास रोड आर ट्रांसफ़र टू द सिल्क तो जो ग्लास रोड पे नेगेटिव चार्ज होते हैं वो सिल्क पे ट्रांसफ़र हो जाते हैं ग्लास रोड बिकम पॉजिटिवली चार्ज एंड द सिल्क क्लोथ बिकम्स नेगेटिवली चार्ज जैसे ही हमने किसी ग्लास रोड के साथ सिल्क के कपड़े को रब किया तो जो ग्लास रोड पे नेगेटिव चार्ज होता है वो सिल्क के कपड़े पे चला जाता है और इसलिए जो ग्लास रोड होती है उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और जो सिल्क क्लॉथ होता है उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है सेकेंड वन इज चार्जिंग बाई कंडक्शन ओके चार्जिंग बाई कंडक्शन एन ऑब्जेक्ट कैन बी चार्ज्ड बाई ब्रिंगिंग इट इन कॉन्टेक्ट विद ए चार्ज बॉडी मान लो हमारे पास कोई रोड है जैसे हमने यू ड्रॉ कर लिया कोई मेटल की रोड है हमारे पास ठीक है और इस पर पॉजिटिव चार्ज है ठीक तो हम क्या करते हैं कि हाँ इसके पास कोई मेटल का ऑब्जेक्ट लेके आएंगे और इससे टच कराएंगे इसका कॉन्टैक्ट कराने बेसिकली क्या कराना है इनका कॉन्टैक्ट कराना है तो इस पर जो ग्लास रोड पर जो चार्ज होता है वो मेटल की रोड पर आ जाता है यानी कि यहाँ पर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो सेम चार्ज इस पर ट्रांसफ़र हो जाएगा थर्ड वन इज़ द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग बाय इंडक्शन Uh, we read about the charging by conduction in which we uh, do not bring uh, we uh, bring the object in the contact of the other object but in charging by induction an object can also be charged by simply bringing it close to the charged body without any contact between the two objects okay. इसमें हमने क्या पढ़ा था चार्जिंग बाई कंडक्शन में कि हम कोई ऑब्जेक्ट जो है उसको चार दूसरे ऑब्जेक्ट के पास ले कर आते हैं उनका कॉन्टेक्ट कराते हैं ठीक है लेकिन चार्जिंग बाई इंडक्शन में हम क्या करते हैं सिर्फ उसके पास कोई ऑब्जेक्ट ले, ले आते हैं लेकिन उनका कॉन्टैक्ट कराना ज़रूरी नहीं होता मतलब ज़रूरी नहीं है कि एक ये कोई मेटल रोड है इसके पास हमने कोई ये कोई ग्लास रोड है इसके पास कोई हम मेटल लेके आते हैं कोई ऑब्जेक्ट लेके आते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि चार्ज को ट्रांसफर करने के लिए यहाँ पे इनका कॉन्टेक्ट कराना पड़े दूर से भी चार्ज का ट्रांसफर हो जाता है लेकिन इसमें होता क्या है अगर इस पर प्लस चार्ज होता है तो इसपे नेगेटिव चार्ज ट्रांसफर होता है यानी कि अबो, अपोजिट चार्ज जो है वो ट्रांसफर होते हैं आई होप यूल क्लियर क्वेश्चन नंबर वन ऑफ चैप्टर फिफ्टीन लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स ए लुक अगेन एंड स्टूडेंट्स ड्रॉ द डायग्राम फ्रॉम द बुक Uh, you know that charging by friction you have given a diagram slow, uh, uh, silk cloth and a glass rod second one charging by conduction you have given a glass rod and a metal object in the diagram and charging by induction also given a glass rod and a metal object so please draw the diagram with this and do this question in your fair notebook and learn it okay thank you good morning students this is for class 8 students as you all know we completed with the syllabus of grammar portion now onwards we will start with the revision work online as you all know on from 30th of november we will start with the sa1 so please look after the revision and see all the videos which are given you by the teachers so students now today we will start with the letter for, letter

या रिस्पेक्टेड सर मैम और एडिटर को जो हम लेटर लिखते हैं वो हम सारे फॉर्मेट लेटर्स में इंक्लूड करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल द फॉर्मेट इज फर्स्ट राइटेड डाउन देंडर्स एड्रेस और सेंडर्स एड्रेस वो होता है जो ये लेटर सेंड करता है ओके नेक्स्ट इज डेट यू विल राइटेड डाउन द डेट जिस दिन आप लेटर लिख रहे हो नेक्स्ट इज द एडिटर द प्रोग्रेस मुंबई दिस इज द रिसीवर्स एड्रेस ये आप किसी एडिटर को लिख रहे हो तो वो रिसीव जो रिसीव uh, करेगा इस लेटर को उसका एड्रेस देन डियर सर और मैम आप यहाँ पे डियर की प्लेस पे रिस्पेक्टेड भी लिख सकते हो नेक्स्ट इज स दिस इज बॉडी और यू कैन से कंटेंट सेलुटेशन के बाद आप लिखेंगे कंटेंट कंटेंट में इंक्लूड करेंगे कि आप किस मैटर के बेसिस पे किस चीज के बारे में आप ये लेटर लिख रहे हो ओके स्टूडेंट्स नेक्स्ट इज सब्सक्रिप्शन सब्सक्रिप्शन में आप ऐड करेंगे योर्स ओबीडियंटली योर्स ट्रूली योर्स सिंसियरली रीज ऑल वर्ड्स आर रिटर्न एज सब्सक्रिप्शन और लास्ट में आप लिखेंगे सिग्नेचर सिग्नेचर और यू कैन से और यू कैन राइट इट डाउन योर ओन नेम आप अपना खुद का नाम लिखेंगे लास्ट में ओके स्टूडेंट्स नाउ आई विल गिव यू लेटर विच यू आर गोइंग टू राइट इट डाउन इन योर फेयर नोटबुक फॉर एस ए वन राइट दिस लेटर इन योर फेयर नोटबुक एंड क्वेश्चन इज लेटर टू योर ग्रैंड मदर हुट अंड नाइटेड स्वेटर फॉर यू एज योर बर्थडे प्रेजेंट आपके बर्थडे प्रेजेंट के लिए उन्होंने हाथ से बनी हुई स्वेटर सेंड की है तो आप कैसे लिखेंगे देखिए सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस डेट डियर ग्रेनी ओके दिस इज इनफॉर्मल लेटर सॉरी स्टूडेंट्स यू विल नॉट डूइंग दिस यू विल राइट इट डाउन दिस एप्लीकेशन राइट एन एप्लीकेशन ऑफ लीव टू द प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग फॉर डेज एज यू आर डाउन विदो

I have high fever, flu, and cough. The prediction confined it is a viral and advised complete bed rest for four days. I am not in a position to come to school and need time to recapture it. On account of my illness, I request you to kindly grant me four days' leave. I will resume school schedule as soon as I get better. Yours faithfully, or you can say uh, yours truly, yours affectionately, yours uh, obediently, and name, and at the end, you will write it down. Your class, okay, students. This is your homework. Write it down this application in your fair notebook. Thank you, everyone.